नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और आज बुलेटिन की शुरुआत में ही आप देखेंगे उन आंसुओं की चर्चा जो सियासत के गठजोड़ से आई। वाकई ये प्रधानमंत्री का आज का भाषण आपको सुनना चाहिए, बहुत भावुक भाषण था। खासतौर पर जितने भी, चाहे वो सत्ता में नेता हो या विपक्ष के नेता हो, पक्ष या विपक्ष के, सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं इस भाषण से। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि सत्ता में जो राजनीति है उसमें सत्ता, पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसी खाई है जिसको कोई भी पाट नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका धुर विरोधी है, जिसकी राजनीति हर मोड़ पर आपकी विचारधारा के खिलाफ है, जब उसके लिए ऐसे शब्द प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है, देखिए। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूँ। नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। आज राज्यसभा में जो तस्वीरें दिखी, विदाई का जो भाषण हुआ, वो पहले कभी देखने को नहीं मिला। संवेदनाओं का सागर रुला देने वाले शब्दों में अभिव्यक्त हुआ। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, सॉरी। विरोध प्रतिशोध की धुरी पर घूमने वाली भारतीय राजनीति में एक प्रधानमंत्री का कांग्रेसी नेता की शख्सियत का गुणगान करना बहुत कुछ सिखाता है। जो लोग भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, आज उन्हें राज्यसभा की तस्वीरों ने सीधा और बड़ा मैसेज दिया, पार्टी से बड़ा राष्ट्र है। मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। मोदी ने आतंकी घटना का जिक्र किया और उस जिक्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री की फिक्र का संपूर्ण अध्याय पढ़ा, जिसमें गुलाम नबी आजाद का नाम लिखा हुआ है, जिसमें लोकतंत्र के रिश्तों की संपूर्ण परिभाषा नहीं थी। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे फोन पे। आज के दौर की राजनीति में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के निजी रिश्ते पार्टी की विचारधारा पर निर्भर करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आजाद के रिश्ते एकदम उलट रहे। इंसानियत की डोर हमेशा पार्टी के विचार से बड़ी रही। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे,
सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता करीब करीब दो दशक पुरानी घटना जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनाई तो उन दृश्यों ने प्रधानमंत्री को रुला दिया। राजनीति सुचिता का ये वही अध्याय है जिसे सुनकर सबको सीखना चाहिए। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना आंखों से आंसू निकले, भावुकता में जुबान लड़खड़ाई, ये सम्मान का सन्नाटा है और ये इशारा बहुत कुछ कह गया। मोदी ने गुलाम नबी आजाद को सलूट किया। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसके पीछे कई दशकों का व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत लोगों को विपक्ष के नेता के लिए ये भाव सिर्फ विदाई भाषण लगे, लेकिन ये भाषण बहुत संदेश देने वाला है। आज गुलाम नबी आजाद पर मोदी के विदाई भाषण से हम पांच बातें सीख सकते हैं। सबक नंबर एक, दल नहीं देश की भावना जिंदा रहना जरूरी। सबक नंबर दो, पक्ष विपक्ष के रिश्तों में हमेशा पर्सनल टच जरूरी। सबक नंबर तीन, पार्टी की विचारधारा के हिसाब से दोस्ती अच्छी नहीं। सबक नंबर चार, आपसी मतभेद कभी भी मनभेद का कारण ना बने। सबक नंबर पांच, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता भारत के लिए जरूरी। नरेंद्र मोदी का भाषण सुनकर आज लोगों को यही लगा, बंदा सच्चा है और ये मोदी ही है जो विपक्ष के किसी नेता का खुले दिल से सिर झुकाकर ऐसा अभिवादन कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। आज प्रधानमंत्री की आंखें जिस आतंकी घटना को याद करके छलक गईं, उसके बारे में क्या कहा है गुलाम नबी आजाद ने, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा दिखाते हैं 31 मई 2006 की वो आतंकी घटना क्या थी। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता नरेंद्र मोदी ने संसद में जो कहा, आप अतीत और आज की इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक तस्वीर 2006 की उस स्याह तारीख की है जब आतंकी हमले के शिकार बने लोगों को गुजरात भेजने के लिए तत्कालीन सीएम एयरपोर्ट पहुंचे थे। दूसरी तरफ 2021 की है जब उस आतंकी घटना पर मोदी के भाषण पर गुलाम नबी आजाद ने जवाब दिया। सबसे पहले देखिए 2006 में कैसे आतंकी हमले में मारे गए लोगों का दर्द देखकर आजाद के आंसू छलक पड़े थे। लेके भेजना चाहिए, लेकिन आपके बच्चों की लाशें भेज रहे, बहुत अफसोस है। ये तस्वीरें 31 मई 2006 की हैं, वही तारीख जब श्रीनगर की डल झील के करीब दहशतगर्दों ने सैलानियों को निशाना बनाया था, सैलानियों पर हमला किया था। हमला दो बसों पर किया गया था जिसमें कश्मीर घूमने आए सैलानी सवार थे। बस पर ज्यादातर गुजरात के सैलानी थे। आतंकियों ने डल झील के पास एक घंटे के अंदर दो ग्रेनेड हमले किए थे। इन हमलों में गुजरात से आए 36 पर्यटक घायल हुए
और बतौर मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने खुद पर्यटकों का पूरा इलाज करवाया, बल्कि उन्हें विशेष विमान से दिल्ली भेजा। गुलाम नबी आजाद ने उन पर्यटकों से माफी भी मांगी और कहा कि वो शर्मिंदा हैं कि उन्हें कश्मीर में ये दिन देखना पड़ा। आज उसी घटना के बारे में गुलाम नबी आजाद ने बताया, एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से, मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया, मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता के। तो ये भावुक होने की जरूरी बात, आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। आज गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा टर्म खत्म हो गया, लेकिन जब यह आतंकी हमला हुआ था तब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के सीएम थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम। आज तक ने तब इस आतंकी हमले से जुड़ी एक एक खबर आप तक पहुंचाई थी। कश्मीर में पिछले 15 साल से जारी हिंसा के दौरान कभी भी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया गया था। इस साल पहली बार पर्यटक निशाने पर है। इस बात को लेकर न सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार बल्कि पर्यटन से जुड़े लोग भी काफी नाखुश हैं। काल चक्र का पहिया घूम गया, वक्त बदला, लेकिन गुलाम नबी आजाद और नरेंद्र मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री नहीं बदली। आज मोदी पीएम हैं और आजाद राज्यसभा से विदा हुए, तो पुरानी यादों के पिटारे से निकली भावुक करने वाली अनसुनी कहानी पूरी दुनिया ने सुनी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो वो घटना आपने देख ली, लेकिन आज जो कुछ संसद में हुआ उसको लेकर सियासत के तमाम गलियारों में चर्चा बहुत गर्म है। अलग अलग मुद्दों पर गुलाम नबी आजाद के सामने हमारी सहयोगी ने तमाम सवाल दागे। मौसमी सिंह ने हर सवाल पूछा और ये भी कि क्या वाकई कभी सोचा था गुलाम नबी आजाद ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में उनकी इतनी तारीफ करेंगे। हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया है, देखिए। आज बहुत ही ऐतिहासिक पल था आपके लिए, जब आप सदन जा रहे थे तो मन में क्या ख्याल आ रहा था? मन में तो ख्याल आ रहा था कि आज फेयरवेल है और देखना है कि कौन क्या बोलता है हमारे बारे में, अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, कितना बोलता है। तो मेरी अपेक्षा से कई गुना ज़्यादा हमारे एमपीज ने बोला, हमारे सभी पार्टी के दलों ने बोला जी। और अपेक्षा से कई गुना ज़्यादा हमारे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी ने बोला। मैं नहीं अपेक्षा करता था कि प्रधानमंत्री इतना सेंटिमेंटल हो जाएंगे, इतना इमोशनल हो जाएंगे, इतना भावुक हो जाएंगे। आपने सोचा था प्रधानमंत्री उस वाक्य का जिक्र करेंगे? तो बिल्कुल भी कभी नहीं सोचा था, और आज उसका जिक्र हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उसकी फुटेज भी, पूरी फुटेज तो नहीं मिली लेकिन थोड़ा बहुत उसका दिया, लेकिन वो मेरे ख्याल में एक ऐसा चीज थी कि जो होनी नहीं चाहिए थी। ग्रेनेड उन पर फेंकना नहीं चाहिए था मिलिटेंटों ने, वो बहुत ही गुनाह किया था और अल्लाह उनको कभी माफ़ नहीं करेगा, उन मिलिटेंटों को जिन्होंने एक जो कश्मीर की इकॉनमी को और डेवलपमेंट के लिए वहाँ टूरिस्ट बन के आते थे और उन्हीं का कत्ल कर दिया, और मुझे बड़ा गहरा दुख हुआ था उससे। नहीं, मतलब प्रधानमंत्री ने एक और वाक्य बताया जब आप बातचीत कर रहे थे उनसे सदन के भीतर ही, संसद के भीतर ही, और उन्होंने ये बताया कि हम लोग की, मतलब कि मीडिया के लोग सोच रहे थे कि ये लोग आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का क्या मेल, इस तरह का जिक्र किया उन्होंने, वो वाक्य याद है? देखिए, बहुत बहुत राजनीति में बहुत गिरावट आ गई है, बदलाव भी आया है और गिरावट भी आई है। आज राजनीति में लगता है कि आप विपक्ष का आदमी अगर सरकार के किसी व्यक्ति से बात करे या सरकार का व्यक्ति या लीडर किसी विपक्ष के नेता से बात करेगा, वो ये लगता है कि मिले हुए हैं कुछ बात करें, लेकिन ऐसा नहीं। आज से 30 साल 40 साल पहले
तो इकट्ठे विपक्ष के लोग जब सदन में जो बोलते हैं हम लोग, वो आदमी के खिलाफ नहीं बोलते हम एक दूसरे के, हम उसकी विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं, हम उसकी पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं। अच्छी अच्छी पॉलिसी अगर हो तो सराहना भी होती है। पहले भी मतलब कि ये लगातार दूसरा दिन हो गया आजाद साहब जब प्रधानमंत्री आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद बहुत विनम्रता से अपनी बात कहते हैं, उनसे सीख लेनी चाहिए, पर मुझे डर है कि कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए। G23 का भी उन्होंने अब अटल जी ये अभी प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छे स्पीकर हैं और वो कभी इस तरह की हंसी मजाक में बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी है, वो जितनी दृढ़ता से अपनी पार्टी को पकड़ के रखे हैं उतनी मजबूती से मैं भी अपनी पार्टी को मजबूती से पकड़ रखे हूँ, लेकिन एक दूसरे का आप दोनों ये बात जानते हैं और जानते अच्छी तरह से जानते हैं, प्रधानमंत्री भी जानते हैं, वो भी जानते हैं हमको बहुत अच्छी तरह से और मैं भी उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन उनको और ये जानकर भी हम में से कोई एक दूसरे के पास पार्टी क्रॉस नहीं करने वाला है, लेकिन कभी कभी ये भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है कि भाई आप अपनी पार्टी के लिए डट के बैठे हैं और फिर भी अप्रिशिएट दूसरे का काम करते हैं, ये भी एक कुछ कुछ लोग ही करते हैं। आजाद साहब बहुत लोग को खटक रहा था कि इतना आपका प्रधानमंत्री ने तारीफ कर दिया, आपके बहुत सारे लोगों को खटक भी रहा था कि इतना तारीफ आपका कर दिया। मैं चाहूंगा कि उनकी भी तारीफ माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी करें जब वो रिटायर होंगे। क्या लगता है आपको कि ये आपके लिए पार्टी के भीतर उल्टा पड़े? नहीं, पार्टी मेरी पार्टी कोई बच्चों की पार्टी थोड़ी है कि कोई मेरी तारीफ करेगा और विशेष रूप से प्रधानमंत्री, ये तो गौरव की बात होनी चाहिए मेरी और मेरे लिए भी और मेरी पार्टी के लिए भी कि उनकी पार्टी के सदस्य की कोई सराहना कर रहा है। प्रधानमंत्री लगातार इतनी देर तक बैठे रहे, उनको बैठना नहीं था, यह आपने भी जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री को इतनी देर तक बैठना नहीं था, वो लगातार 2 घंटे तक बैठे रहे। एक तरफ आपकी पार्टी में आपकी क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे, लोग सवाल खड़े कर रहे, उंगलियां उठा रहे। मेरी क्षमता पर कांग्रेस पार्टी ने किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। नेतागण है कुछ लोग छोटे लेकिन बड़े नेताओं ने जिनके साथ मैंने काम किया है और जिनको हमारी क्षमता के बारे में मालूम है, उन्होंने कभी हमें क्वेश्चन नहीं किया। क्योंकि ऐसी भी बात आई कि मायावती जी ने भी बोला, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपको निवृत्त नहीं होने दूंगा। जितने भी ये लोग हैं, मैंने जिन सीनियर नेताओं की बात की, ये जितने भी राज्यसभा में नेता थे, इनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मैं उनके साथ भी काम किया हूँ। मैं बहुत छोटी उम्र में जनरल सेक्रेटरी भी बना था पार्टी का, 37 साल की उम्र में AICC का जनरल सेक्रेटरी बना, तो जाहिर है जितने भी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे सब पार्टी नेशनल लेवल के, ज्योति बसु जी से लेकर और करुणा निधि तक और करुणाकरण तक जी, तो उन्हीं से तो बात होती थी। और जब मैं मिनिस्टर भी बहुत छोटी 32 साल की उम्र में बना था, तो मैं यूनियन मिनिस्टर था, उनमें से बहुत सारे चीफ मिनिस्टर थे, तो आज जो सदन में नेता हैं तो उनके जो लीडर्स थे बहुत पहली जन उनके से मेरे संपर्क रहे हैं। इसी के साथ हम रुक रहे हैं, आपको दिखाएंगे 26 जनवरी की हिंसा में आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है, तो क्या अब दीप सिद्धू बोलेगा और खोलेगा राज 26 जनवरी को हुई हिंसा की? जी हां, जो हिंसा भड़की थी उसमें आरोपी दीप सिद्धू आज पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, अब कई राज उस दिन के खुलेंगे। जी हाँ, दीप सिद्धू बोलेगा, कई राज खोलेगा। हुई हिंसा का अब होगा असली खुलासा, क्या किसान आंदोलन एक बड़ी साजिश का शिकार हो गया? 26 जनवरी के सबसे बड़े विलन की गिरफ्तारी क्या कहती है? क्या दीप सिद्धू एक मोहरा है, असली चेहरा अब भी छुपा है? क्या दीप सिद्धू की वजह से राकेश टिकैत को रोना पड़ा? दीप सिद्धू का कैलिफोर्निया कनेक्शन क्या है? कैसे और कहां से पकड़ा गया लाल किले का विलेन दीप सिद्धू? अब दीप सिद्धू बोलेगा, साजिश के सारे राज बुगलेगा। किसान आंदोलन में सियासत और साजिश दोनों ही मामले
किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ये समझने के लिए अब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद कौन कौन से राज वो खोल सकता है ये देखना जरूरी है। जी हाँ, एक तरफ सियासत इस नाम पर खूब बढ़की, एक वक्त पर कहा गया वो क्या सत्ताधारी पार्टी का करीबी है, अब जबकि उसकी गिरफ्तारी हुई है बेपर्दा होंगे कई राज। देश में किसान आंदोलन किस तरह जा रहा है, किस मोड़ पर खड़ा है, इसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी है। शब्दों से बड़े परिचित है, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन के से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। आंदोलन करने वालों को मोदी आंदोलन जीवी कह रहे हैं और राकेश टिकैत इसका जवाब दे रहे हैं। जीवी का मतलब ये है कि आंदोलन करने वाले लोग, वे लोग की तो कमी होगी थी देश में, क्या आंदोलन करने वाले कम हो गए थे, अब जो इकट्ठे सब लोग हुए हैं तो इसी से मजबूती मिली है। वो कहे कि आंदोलन जीवी जो है वो परजीवी हो गए, कैसे नहीं, चलो क्या उन्होंने वो करा, हमारा मकसद ये है कि जो 3 बिलियन को वापसी ले लो, MSP पे कानून बना दो, व्यापार भूख पर नहीं होगा, देश रोटी बाजार की वस्तु नहीं बनेगी। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत बार बार मोदी सरकार को ललकार रहे हैं, यूपी से लेकर हरियाणा तक पंचायतें जोड़ रहे हैं। जो लोग भूख पे व्यापार करते हैं, भूख के आधार पर रोटियों की कीमत दिन रात बढ़ेगी वो नहीं होगा, भूख पर व्यापार नहीं होगा। एक तरफ तो किसान आंदोलन को लेकर ये सियासत हो रही है, दूसरी तरफ किसान आंदोलन की आड़ में साजिश की पड़ताल हो रही है, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में लाल किले से लेकर ITO तक किसानों की ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, उसकी हकीकत भी सामने आना जरूरी है। देश की आन बान और शान लाल किले पर जिस तरह से उपद्रवियों ने झंडा लहराया, उससे देश के सम्मान को ठेस पहुंची। लेकिन क्या वो किसान थे, आखिर इसके पीछे कौन सी बड़ी साजिश थी, ये साजिश नेशनल थी या फिर इंटरनेशनल थी, और अब इस साजिश का पर्दाफाश होगा, क्योंकि लाल किले पर झंडा फहराने वाला, लोगों को भड़काने वाला, 15 दिन से फरार, 1 लाख रुपए का इनाम मोस्ट वांटेड पंजाब सिंगर दीप सिद्धू पकड़ा गया है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर गिरफ्तार हुआ दीप सिद्धू, दीप सिद्धू पर था 1 लाख रुपए का इनाम, हरियाणा से हुई दीप सिद्धू की गिरफ्तारी, भागने की कोशिश में था दीप सिद्धू, आखिर क्यों अहम है दीप सिद्धू की गिरफ्तारी? दीप सिद्धू की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस से लेकर देश के लिए बहुत अहमियत रखती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने लाल किले पर धार्मिक झंडा लहराया, लोगों को उकसाया, भड़काया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसके पीछे की साजिश का भी सच सामने लाना है, क्योंकि दीप सिद्धू को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी। किसानों ने कभी उसको जो 26 जनवरी को घटना घटी है उसको देश के लिए अच्छा नहीं कहा, उसकी निंदा की है सभी किसानों ने, क्योंकि किसान ऐसा देश का अपमान सहन नहीं कर सकता, लेकिन ये साजिश थी सरकार की, हम सरकार की कहेंगे, क्योंकि उस दीप सिद्धू की फोटो मोदी जी के साथ भी है, और जो सनी देओल का 2019 का लोकसभा चुनाव था पठानकोट वाला, उसकी सारी बागडोर हाथ में थी, और अमित शाह के साथ भी इसकी फोटो है, और जहां को लाल किला का रास्ता था वहां बैरिकेड बिल्कुल कमजोर थी, इसमें थोड़ी सी ये साजिश लगती है किसानों को आंदोलन को बदनाम करने की। पूरे देश से आवाज उठी, जो असली गुनहगार है लाल किले के तिरंगा के अपमान करने वाले,
उसको गिरफ्तार करो, जिसके रिश्ते कहाँ कहाँ पहुंच गए थे। लेकिन ठीक है, अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। किसान आंदोलन बदनाम करने की वो एक बहुत बड़ी साजिश थी, वो नाकाम हो गई। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की सुबह 10:30 बजे हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया। पिछले 15 दिनों से दीप पुलिस को गच्चा दे रहा था। पुलिस ने बिहार, मुंबई, रांची, हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब में लगातार रेड मारी, लेकिन इस दफा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास जानकारी बिल्कुल सटीक थी। कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे और क्राइम ब्रांच के पास, क्योंकि वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस मैरिज डालेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रोल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की हुई है। पुलिस से भागने के चक्कर में दीप सिद्धू ने कई दिनों से कपड़े तक नहीं बदले थे। अब वो बिहार के पूर्णिया में अपनी पत्नी के पास भागने का प्लान बना रहा था, लेकिन पुलिस ने दीप सिद्धू की पत्नी का फोन सर्विलांस पे लगाया हुआ था। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक करनाल में गोल्डन हट ढाबे के पास एक ट्रैक्टर से उतरा था, यहीं वो एक एसयूवी के इंतजार में खड़ा था। गाड़ी में नहीं, इसको हमने रोड से अरेस्ट किया है और ये किसी का इंतजार कर रहा था कहीं दूर जाने के। ठीक है, इसको वेरीफाई किया। अपने सिर पर 1 लाख के इनाम की पहचान छुपाने के लिए दीप सिद्धू ने बार बार लोकेशन बदली, लेकिन दीप सिद्धू का बुरा वक्त करीब आया तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 41 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जो वांटेड आरोपियों के लिए सेक्शन है। जनकपुरी के इसी दफ्तर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तमाम स्पेशल सेल की टीम है, यहीं पर दीप सिद्धू को रखा गया है। फिलहाल उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसके इशारे पर उसने लाल किले में हिंसा फैलाई थी, उसके साथ कौन कौन लोग थे और जब वो लाल किले से फरार हुआ तो कहां कहां छुपा, कौन कौन लोग उनकी मदद कर रहे थे। फिलहाल दीप सिद्धू से लगातार पूछताछ की जा रही है। पंजाबी फिल्मों के एक्टर दीप सिद्धू को पकड़ने के लिए जब दिल्ली पुलिस की टीमें कई जगह दबिश दे रही थी तो वो अपने फेसबुक पर वीडियोस अपलोड कर रहा था। इन वीडियो को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। 26 जनवरी का भागा दीप सिद्धू, 9 फरवरी को गिरफ्तार होता है और सवाल ये कायम है कि 26 जनवरी को भागा था, आखिर इतने रोज क्यों लग गए उसकी गिरफ्तारी में। लेकिन अब एक और नया ट्विस्ट आया है, क्योंकि एक महिला मित्र बताई जा रही है। कौन है ये महिला मित्र, अमेरिका का कनेक्शन है, कैसे उसके फेसबुक लाइव का राज अब खुलेगा ये देखिए। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी में इतना टाइम क्यों लग गया? दीप सिद्धू लगातार वीडियो पोस्ट करने के बाद भी क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या दीप सिद्धू को कोई बचा रहा था? दीप सिद्धू पर किसी का हाथ है? ये सवाल इसलिए उठने लाजमी हैं क्योंकि 26 जनवरी के कांड को तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, फिर कानून के लंबे हाथ दीप सिद्धू तक इतनी देर से क्यों पहुंचे? वो भी तब जब वो लगातार फेसबुक पर वीडियो शेयर कर रहा था और बड़ा खुलासा करने की बात कर रहा था। मैं थोनू करूंगा थोड़े नाल सांझियां, आउण दो टाइम, जिन्हां ने भड़काया वह भी आपां नूं पता लग जू, जिन्हां ने गल्लां सांभियां वह भी पता लग जू। 25 तरीक रात नूं उत्थे जाके स्टेज जिवें इन्हां ने गल्लां कीतियां ना, भी दीप सिद्धू ने बंदे भड़काते, मैं थोड़े नाल वह भी स्पीच सांझी करूंगा, मिल गई आ। 26 तरीक नूं सवेरे 4 बजे जिहड़ी मैं वीडियो बनाई वह भी थोड़े नाल सांझी करूंगा की कह के गया। आपको बता दें कि हिंसा के बाद से ही सिद्धू अलग अलग जगहों से फेसबुक लाइव कर रहा था। सबसे पहले उसने लाल किले पर धार्मिक झंडा लहराने की बात कबूल की थी। लाखों लोगों ने, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई, लाखों लोग इस बहाव में बहे, वो एक ऐसा बहाव है, अगर आप उस बहाव को नहीं समझेंगे और उसको सिर्फ आज की घटना को आइसोलेशन में देखने लगेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो ये है कि 26 जनवरी के बाद दीप सिद्धू का फेसबुक 2 मोबाइल हैंडसेट से ऑपरेट किया जा रहा था। एक फोन खुद दीप सिद्धू का था, जबकि दूसरा उसकी एक महिला मित्र का बताया जा रहा है, जिसका आईपी एड्रेस कैलिफोर्निया का ट्रेस हुआ है। तुसी आज मैनू इमोशनल करता, मेरी रूह
रूह अज दुखी है थोड़े तो केले किन्नू खा के गुजारे करी जाना। खुलासा ये हुआ है कि दीप सिद्धू किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से बचने के लिए विदेश में बैठी महिला मित्र की मदद ले रहा था। अभी ये वेरीफाई किया जा रहा है जो इसी सोशल मीडिया जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से इसी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी उसके बारे में उसे पूछताछ। अब दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को 30,000 कोर्ट में पेश करके 7 दिन की रिमांड मांगी है क्योंकि पुलिस के पास सवालों की लंबी लिस्ट है और वो दीप सिद्धू से हर सवाल का जवाब जानना चाहती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में उसकी महिला मित्र कौन है? कैलिफोर्निया वाली दोस्त दीप सिद्धू की मदद क्यों कर रही थी? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्या दीप सिद्धू ने किसी के कहने पर लाल किले पर झंडा फहराया? जब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही थी उसी दौरान पता चला था कि अपना मोबाइल फोन बंद करने के दौरान दीप सिद्धू दो अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप के जरिए अपने वीडियो भेज रहा था और वो वीडियो कैलिफोर्निया से दीप सिद्धू की जो महिला मित्र थी वो लगातार अपलोड कर रही थी। इस वजह से भी दिल्ली पुलिस को दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दी। अब दीप सिद्धू पकड़ा गया है तो साजिश की पूरी चेन टूटने की उम्मीद है। पुलिस ने कुल 8 लोगों पर इनाम रखा है जिनमें से दीप सिद्धू को मिलाकर 2 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। राज कपूर के सबसे छोटे बेटे और ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर आज दुनिया छोड़ गए। 58 साल उनकी उम्र थी। कपूर खानदान में शोक की लहर है। राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राजीव कपूर 58 साल के थे। सुबह तक ठीक ठाक दिख रहे राजीव कपूर को नाश्ते के बाद हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। वो कुछ समझ पाते या किसी को कुछ बता पाते तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। राजीव कपूर की सबसे हिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली। राजीव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक सहायक निर्देशक बनकर की थी। उनकी मुख्य फिल्मों में आसमान, लवर बॉय, जबरदस्त, हम तो चले परदेश, अंगारे और नाग नागिन हैं। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।